हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनता से मुलाकात की और रेसिडेंसी पर सांवेर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि कमलनाथ सरकार हमने केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर गिरा दी, हमारे सिलावट सिंधिया जी का कोई दोष नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण फैलने का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा और ये भी कहा कि कोरोना की तैयारी की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री आईफा अवार्ड की तैयारियों की बैठक ले रहे थे। शिवराज ने ये भी कहा कि तुलसी सिंधिया पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, ये सरासर गलत है, बल्कि कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि तुलसी जीते तो ही मध्य प्रदेश में शिवराज मुख्यमंत्री रहेगा, इसलिए इंदौर में तुलसी सिलावट को हर हाल में जिताना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने और भी कई बातें कही, आइए हम आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो। ऐसी बंपर पैदावार शायद आसपास के सालों में तो नहीं देखी, और अभी आपने कहा है तमाम तरह की कठिनाइयां है लेकिन गेहूं खरीदा जाएगा, उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट रखने की जगह नहीं है, बादामों की दिक्कत है लेकिन फिर भी करेंगे, क्योंकि आपकी तकलीफ और आपका दर्द इस सीने में रहता है। कितनी चीजें इन्हें तो बर्बाद करते थे, संबल योजना बंद कर दी, हमने फिर से संबल चालू कर दिया। गरीबों का बल है संबल, एक नहीं अनेकों नई योजना है, आज नहीं कभी विस्तार से बात में बताऊंगा, उनको प्रारंभ कर दिया। बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा 580 करोड़ खाते में डाल दिया, ये नहीं दे देते दादा, और तो पंचायतों का खा गया कमलनाथ, दिया क्या पंचायतों को पैसा बताओ, समा साल में कैला जी कह रहे मुख्यमंत्री कन्यादान का 51,000 खे के बदल गया बेईमान, तेरे पढ़वा दिए पैसा नहीं आया यार। उल्टा ब्याज में क्या हो, उसका ब्याज और लग गया, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे पंचायतों में, भैया 1555 करोड़ रुपए अभी भेजे ही मैं आगे की नहीं आए, दादा ने कंकड़ी नहीं की डाल दी, सरपंच तरस के अच्छा जनपद के पैसा नहीं, पंचायत के जिला पंचायत के पैसा नहीं, और नगरी निकाय में भी भेज दिए कोरोना के कर्की के बावजूद भी। अब तक अलग अलग योजना में 26,000 करोड़ रुपया खाते में डाले गए, मजदूरों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा, अलग अलग योजना में मिड डे मील, मध्यान्ह भोजन, स्कूल बंद है तो अभी बच्चों के खाते में डालो पैसा, और राशन की बताओ कमी आने दी क्या पूरे टाइम, आटो हमने कहा राम की चिड़ैया राम कोई खेत खाओ चिड़ैया भर भर पेट, क्या चिंता है गरीबों की सरकार वो तबाह और बर्बाद करने वाले, लेकिन इस मुसीबत के समय में अभी कैलाश जी को बता रहा था 26,000 करोड़ का रेवेन्यू कम आया, खजाने में पैसा नहीं लेकिन रोऊंगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, गाड़ी रुकने नहीं देंगे। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी तबाह कर देगी, और आप बताओ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या, और कोई तरीका नहीं। अच्छा ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची, ये तो मंत्री वहां भी थे, अब सुर्री छोड़ रहा है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी घोटाला कर दिया, आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से
धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। एक दर्द कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। सरपंच जी नहीं छोड़ते भैया, पंची नहीं छोड़ते, अगर रहते थे क्या भरोसा बाद में जीते नहीं जीते बने रहो। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का, तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ते हैं। और अब हो रहे चुनाव, तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? और इसलिए हमारी ड्यूटी है, कोई ये ना माने के इधर से आ गए उधर से आ गए, सामने लड़े थे क्या करें। अब ये तो 3 साल रुके ही है भाई, इतनी तो बारी रहेगी ना। और इसलिए हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ड्यूटी है, कर्तव्य है, तुलसी सिलावट चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं, हम उम्मीदवार हैं। आमने सामने लड़ते तो कई बार थोड़ी राजी नाराजी स्वाभाविक है, उसमें क्या दिक्कत है? चुनाव लड़ते तो पोलिंग पे ही खटक पड़ती, वो खटक दिल में न खटके, क्योंकि अब एक परिवार में। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आज वान का सवाल, पार्टी ने फैसला लिया बैठ के, उस फैसले के सम्मान का सवाल। हमें से कोई और कोई बात नहीं सोचेगा, एक ही चीज, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, चिड़िया की आंख हमें तो जिताना है, सारा नेतृत्व यहां मौजूद है, सावन भी है, सावन फुहार मन के ऐसे बरस जाओ तो कमल कमल खिल जाए, कोई कसर न छोड़े। रिपाल तो उज्जैनी थोड़ी है, अभी तो सावन वाले सब अच्छा। और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, ये फैसला मानिए प्रधानमंत्री जी का, मानिए अमित शाह जी का, मानिए जेपी नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, सिलावट जी का फैसला थोड़ी। और ये सबको मिलके आज संकल्प लेके जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हर हालत में सावेर जीत के आएंगे। तुलसी सिलावट जी प्रतीक है, ये आदमी तो बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस के जमाने में तुलसी सुधरी, सही आदमी कह रहा जी कह रहे गलत पार्टी में। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहन और भाई, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखो। भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है राज्य के दूध पे, और वो ही मां कह रही है कि मेरे दूध की लाज रखना, कहीं भाजपा हार ना जाए। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को नीचा न देखना पड़े, प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत नहीं हो जाए, जनता की आशाएं उम्मीद विश्वास। अरे आज तो कह रहे गेहूं खरीदो, वो होता दादा तो कहते कोई गेहूं खरीदो, चुपचाप घर में थे घर में बैठे बात भैया जगह खरीद रहा है, कौन आता ट्राली ले। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता का भी सवाल है, मध्यप्रदेश का सवाल है, प्राण प्राण से उम्मीदवार बन के लड़े, हम सब लोग जुटेंगे, कैलाश जी दाल बाटी खाएंगे, एक आदमी हम भी आ जाएंगे, मिलकर लड़ना पूरी ताकत से लड़ना।
जीत के लिए सिद्ध करना कि भाजपा का फैसला सही था, अभी भी भाजपा की सरकार रहेगी और जब आम चुनाव होंगे तब और भारी बहुमत से जीत कर फिर भाजपा सरकार बनाएगी। कांग्रेस को पांव रखने की जमीन नहीं बचने देगी। ये आप सब लोगों से निवेदन है, बोलिए आप सब तैयार हैं? जोर से सब तैयार हैं? तुलसी भैया को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।